नमस्कार, मैं हूं नव्या। ये जानते हैं क्या नया हो रहा है खेल जगत में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद मार्च में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मिशेल मार्श टीम में कमबैक कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद से तकनीकी समस्या के जूझ रहे मार्श इस बार बिग बैश लीग भी नहीं खेल पाए। हालांकि अब वह फिर से अपनी फिटनेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनका मानना है कि भारत के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। मिचेल मार्श ने फॉक्स क्रिकेट से बातचीत करते हुए कहा कि आज पहली बार रनिंग की, वापसी करके अच्छा लग रहा था, वो मुश्किल था और आसान भी। मुझे थोड़ा काम करना होगा, उम्मीद यही है कि आने वाले 5-6 हफ्ते में मैं खेलने लगूंगा। मार्श लंबे समय से चोट से जूझ रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। मार्श ऑस्ट्रेलियन टीम को बल्ले और गेंद दोनों से मजबूती प्रदान करते हैं। भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को वनडे सीरीज के पहले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली है। ये टेस्ट सीरीज की शुरुआत 9 फरवरी से होगी। भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिहाज से ये सीरीज जीतना काफी महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देखिए साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।